अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्जी। बड़ी जायके की सब्जी बनती है ये। आइए इसका सामान देख लेते हैं। ये इसका सामान लिया है मैंने, थोड़ी आप ये कटहल काट लिया है। थोड़ी देर भी रखने से ये थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। ये प्याज लहसुन सबका हम पेस्ट बना लेंगे। और तेल रखने के बाद कटहल को उसमें फ्राई करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको हमें फ्राई करना है, जैसे कहते हैं कि डीप फ्राई करना है। अच्छे से इसे चला चला कर तल लेंगे हम, और उसमें डाल देंगे ये सूखी मिर्च और लहसुन और प्याज का पेस्ट। ये सब मसाले, धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी, इसको बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसको हमें इतना पकाना है, ये पकता रहेगा, मसाला भी भुनता रहेगा, और जब लगने लगे अच्छे से भुन गया, फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और चलाएंगे खूब अच्छी तरह से। ये देखो ये पक गया है, सब तेल अलग निकल गया। इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल दिए ऊपर से, और पानी डालेंगे कटहल को गलाने के लिए अच्छी तरीके से। मसाला तो हमारा गलकर तैयार हो चुका है, भुनकर बिल्कुल, लेकिन कटहल को गलाना है अभी। ये देखो आप, ये इस तरह हो जाएगा। इसमें सीटियाँ लगाने के बाद ये देखो, ये इसकी फाइनल स्टेज है बिल्कुल। आप इसको टेस्ट करें, इंजॉय करें। गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये आपको कैसा लगा। ये बहुत जायके की सब्जी बनती है। अब और भी इसकी कई रेसिपी हैं मेरे पास, जो हम आगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।